नमस्कार आईडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एसपी निषाद, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और पूरी तरह से फिट होंगे। इस समय हम उत्तर प्रदेश के बांदा जिला चिल्ला क्षेत्र के शादी मदनपुर चिल्ला ब्रिज के पास उपस्थित हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में इस समय नवरात्रि महोत्सव की धूम मची हुई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो। इस समय जहाँ हम उपस्थित हैं यहाँ भी नवरात्रि महोत्सव की धूम मची हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये जो जगह है यह यमुना आरती स्थल है। यहाँ पे यमुना जी की भी आरती होती है और यहीं पे माता रानी का पंडाल है। और आपको खास करके बता दें कि नवरात्रि महोत्सव के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री माननीय रामकेश निषाद जी यहाँ पे आज पधारने वाले हैं। तो आगे की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखाएंगे। योगी सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री माननीय रामकेश निषाद माता रानी के पंडाल यमुना आरती स्थल शादी मदनपुर पहुंचे और जैसे ही उन्हें पता चला कि यह मूर्त किसी मूर्तिकार ने नहीं बल्कि एक गरीब घर मोहन निषाद की कन्या ने बनाई है, तो उन्होंने खुशी जताई और उस कन्या को माता रानी के पंडाल पर बुलवाया और कन्या के आने का लगभग 30 मिनट इंतजार भी किया। कन्या के आने पर उन्होंने कन्या को सराहनीय कार्य करते रहने का आशीर्वाद और पुरस्कार भी दिया, जिससे कन्या की माता कुंजा देवी एवं पिता मोहन निषाद बहुत खुश हुए और अपनी कन्या पर गर्व महसूस किया। तत्पश्चात मंत्री महोदय का काफिला चिल्ला की ऐतिहासिक माता रानी के पंडाल की ओर रवाना हो गया, जिसकी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम चिल्ला बाजार से होते हुए चिल्ला के ऐतिहासिक नवरात्रि महोत्सव की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर मंत्री महोदय पहुंच चुके हैं और हम पहुंचकर वहां की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले चिल्ला में यहीं पर नवरात्रि महोत्सव शुरू हुआ था। अब आप देख रहे हैं कि मंत्री महोदय और साथ में पैलानी मंडल अध्यक्ष अमित निगम, आलोक बाबा तांत्रिक समाज सेवी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री रामकिशन गुप्ता, शादी मदनपुर ग्राम पंचायत प्रधान छंगा, पूर्व ग्राम पंचायत प्रधान अंसार ठेकेदार शादी मदनपुर, शुभम साहू चिल्ला, इंद्रजीत मास्टर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उम्मीद करते हैं आज की ये खबर आपको अच्छी लगी होगी। खबर अच्छी लगे चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और हम इसी तरह से उत्तर प्रदेश की छोटी से लेकर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।